रोलिंग मशीन में लगी आग, मशीन जलकर दूर था। बीती रात उमरेठ तहसील के ग्राम कोठार से उमरेठ आ रही रोलिंग मशीन में सड़क पर आवागमन करते हुए आग लग गई, जिससे रोलिंग मशीन जलकर खाक हो गई। बोरवेल मशीन चालक शिव कुमार ने बताया कि गाड़ी चलाते समय चलती गाड़ी में साइड के आने से गाड़ी ने पीछे से आग जलती देख तुरंत हैंड ब्रेक लगाया और मैं और मेरे दो साथी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना रात 12 बजे ग्राम खजरी से उमरेठ रोड पर ग्राम शेख परास के शनि मंदिर के पास की है। रात 1 बजे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब तक बोरवेल मशीन एवं उसमें रखी हुई एक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस थाना उमरेठ का पुलिस बल भी घटना स्थल पर पहुंच गया। वाहन चालक शिव कुमार ने आग लगने का कारण बैटरी में स्पार्किंग होना बताया। गाड़ी के डीजल टैंक में 800 लीटर डीजल भरा हुआ था, साथ ही मशीन के कंप्रेसर में 600 लीटर ऑयल भरा हुआ था, जिससे जोरों से आग भड़की। बोरवेल मशीन तमिलनाडु की बताई जा रही है, जिसे उमरेठ के एजेंट इमरान अली, शानू मंसूरी और मोहसिन मंसूरी किराए पर लाकर तहसील क्षेत्र में ट्यूबवेल खनन का कार्य करना बताया गया है। बहरहाल उमरेठ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। उमरेठ सीटीएन से तारेंद्र सोनी की रिपोर्ट। की गाड़ी है तमिलनाडु। यहाँ कहाँ से आ रही थी? ये कोठार से आ रही थी। क्या हुआ? ये आ रही थी, स्पार्किंग हुआ बैटरी में तो डीजल टैंक में चिंगारी गया, उससे आग लगा। अच्छा अच्छा, कितने लोग सवार थे गाड़ी में? इसमें 3 लोग थे। फिर क्या हुआ? हैंड ब्रेक मारा ड्राइवर ने, पीछे देखा तो सब लोग कूदे। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? फायर ब्रिगेड बुलाया? हाँ बुलाया। फायर ब्रिगेड कब आई? 1 घंटे बाद। फिर आग लगी थी 12 बजे, 1 बजे फायर ब्रिगेड आई और 2 आई और अंगार बुझाया। यहाँ कैसे आई ये गाड़ी, कौन एजेंट है? ये तामिया आई शेखर भैया, उत्तम भैया और दीप भैया, उनने इमरान भाई को दिया। इमरान भाई, मैं और सानू ये गाड़ी चलाता था। सिटी इन लाइव, हमेशा समाचार के साथ।